बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जू की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ ढाई वर्ष होने को आए, नियमबद्ध होके ये वाणी चर्चा अभी तक सुन रहे हो। धाम धनी की अपरंपार कृपा है और समय पे धनी आप सबके हाथ पकड़ के आपको उपस्थित होने का मौका देते हैं। हमारे हरीश जी तनेजा, हमारी ममता जी भगत जयपुर से, कविता जी खेत्रपाल गुड़गांव से, शशि जी तनेजा जयपुर से, मीना जी गुप्ता नेपाल से, अंकिता जी राहुल जी फाजिलका से, हमारी मीनाक्षी जी सहारनपुर से, चंपाबेन पड़साला सूरत से, आइए लाडले सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं और हम धनी श्री देवचंद्र जी की आनंद भरी लीला का रसपान कर रहे हैं। आइए वंदना बोलते हुए प्रार्थना करें धनी के चरणों में। धनी स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होके हमें ये बीतक वाणी का रसपान कराएं। श्रीवंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी त्यारे बल मैरी ना हरी, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी धामधनी श्रीजी साहिब जी के श्री चरणों में बैठकर अपना एक भाव रखें। मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं अपने पिया पर बल बल जाऊं, मैं अपने धनी पर बल बल जाऊं, मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं। जो बासे कहीं ना जाए ना लिखने में आए, जुबा से कहीं ना जाए ना लिखने में आए, मेहर श्री
राज की कैसे मैं गाऊं, मिहर शीरी राज की कैसे मैं गाऊं, मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊं, मैं अपने धनी पर वारी वारी जाऊं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। कल हम सुन रहे थे श्री राज नित देवे दीदार आरोगे बेर तीन, वस्ता मांगे आरोते आज क्यों फिक्की खारी कीन, आज क्यों फिक्की खारी ती कीन, तम बोल दे आरोगते और मिठाई कई भांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं निस्बती सुंदर साथ जी, श्री धाम धनी जी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पर बरस रही है, क्योंकि आधा घंटा भी धनी जी के चरणों में बैठना, जब हम परम धाम के अंदर उठेंगे ना सुंदर साथ जी, ये आधा घंटा हमारी जो वैल्यू बढ़ाएगा, हमारी जो कदर बढ़ाएगा परम धाम के अंदर, हमारा सिर ऊंचा करने का हमें सौभाग्य मिलेगा सुंदर साथ जी। जिस आत्मा ने भी आधा घंटा भी ये बीतक वाणी चर्चा सुन ली ना, जिन एक कलमा कानों सुना होई सी ताए सिर लग सी जाए आसमान। शिव जी ने कहा जिन्होंने ये वचन अपने कानों से सुने होंगे ना, उनका सिर जब श्री प्राणनाथ जी कजा के तखत पर बैठेंगे, न्यायाधीश बन के बैठेंगे, जब सारे ब्रह्मांड की कजा करेंगे, न्याय करेंगे, और उस समय में जब हम धनी जी के चरणों में हाजिर होंगे ना सुंदर साथ जी, तो उस समय में हमारा सर आसमान के साथ लगा होगा। क्यों? क्योंकि जो श्री प्राणनाथ जी न्यायाधीश बन के बैठेंगे ना, हमने उन्हीं की लीला का रसपान किया, और ऐसी लीला का रसपान कर रहे हैं कि ए बानी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होवे जिमी का सुख होवे वाको। इस वाणी का जूस बना के अगर पिला दिया जाए तो कितना भी माया का जहर चढ़ा हो, तो कहते उस आत्मा को भी वाणी चर्चा सुनते हुए सुख मिलेगा ही मिलेगा। सच्ची बताओ आप, 2.5 साल होने को आए, हम सभी सुंदर साथ जब भी इस वाणी चर्चा को सुनने के लिए बैठते हैं, हमें सुख मिलता है कि नहीं? क्योंकि हम वाणी भजन की लाइन में कहती है, पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आई सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुर की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुर की वाणी, पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आई सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुर की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुर की वाणी। इस वाणी को पढ़ने से सुख मिलता है, इस चर्चा को सुनने से सुख मिलता है ना? क्योंकि जब हम चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं ना सुंदर साथ जी, सारे संसार के दुख संताप उसी समय खत्म हो जाते हैं।
क्योंकि ये मन दुनिया के अंदर किसी से नहीं डरता। ए मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। मन टिक्के कब बैठता है? जब ये ब्रह्मवाणी चर्चा हो रही होती है ना, तो ये मन कहीं नहीं जाता। तारतम का पाठ करने के लिए बैठोगे ना तो मन कहीं चला जाएगा, वाणी पढ़ने के लिए बैठोगे ना मन कहीं चला जाएगा, लेकिन जब ये वाणी चर्चा आप सुनने के लिए बैठते हैं और दिल देके सुनते हैं तो ये हमारा मन कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये धाम धनी की कृपा से हम ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुन रहे हैं, वो ही हृदय में बैठ के सुना रहे हैं और वो ही सुंदर साथ के हृदय में बैठ के सुन रहे हैं। लीदा पीदा साथ में, लेने वाले भी और पीने वाले भी वो स्वयं है सुंदर साथ जी। तो कल हम सुन रहे थे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर आड़ी का लीला कर रहे हैं, है ना। और चाकला मंदिर कितना प्यारा सा है ना, चाकला मंदिर श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर, जहां से धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ये लीला कर रहे हैं, है ना। और गांग जी भाई के घर में तो भीड़ लगी रहती है सुंदर साथ की, इतना सुंदर साथ, क्योंकि ये कौन से सुंदर साथ है, ये 313 आत्माएं खासल खास परम धाम की आत्माएं हैं जो श्री गांग जी भाई के घर में आ रही हैं और ये आड़ी का लीला कर रही हैं। आड़ी का लीला का मतलब होता है जो धनी देवचंद्र जी को नजर ना आए और बाकी सारे सुंदर साथ, श्री कृष्ण जी तीन बार आते हैं ना, तो श्री कृष्ण जी का तीन बार सारे सुंदर साथ दर्शन करते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण जी किनको नजर नहीं आते, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को नजर नहीं आते, है ना सुंदर साथ जी। हम सुन चुके हैं ना कि उन्होंने कहा था धनी तुम कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा था तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। उन्होंने कहा था धनी जी ने कि मैं तो आपके अंतस्करण के अंदर आके बैठ जाऊंगा और फिर इस तरह से आप मुझे दोबारा देख नहीं पाओगे, ऐसे मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, अब जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, है ना। तो अब श्री राज जी महाराज तो रोज आ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तीन बार दर्शन देने, तीन बार भोजन अरोगते हैं, दस दस सखियों को लेके आते हैं। अब आ रहे हैं श्री कृष्ण जी, लेकिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज क्या वर्णन कर रहे हैं, श्री राज नित देवे दीदार आरोग्य बेर तीन। अब यहाँ पे सारा मत भेद खत्म हो जाता है। हमारे सुंदर साथ कहते हैं श्री कृष्ण जी राजी नहीं है, राजी अलग हैं, श्री कृष्ण जी अलग हैं। अब देखो ये स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की आत्म तो नींद में नहीं है ना, ये तो जागृत है ना। अब दर्शन देने कौन आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं और ये क्या फरमा रहे हैं कि श्री राज नित देवे दीदार, वो ही श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत श्री राज जी महाराज तीन बार दर्शन देते हैं और आरोग्य मेरती आके आरोगते हैं सुंदर साथ के बीच में बैठ के। अब बताइए सुंदर साथ जी, जब साक्षात श्री कृष्ण जी दस दस सखियों को लेके और परम धाम के मेवे मिठाइयां लेके आए तो भला किसी का मन करेगा घर जाने को? और नवरंग स्वामी जी भी तक में वर्णन करते हैं कि जो 313 आत्माएं आती हैं ना वो वहीं बैठी रहती हैं, घर ही नहीं जाती, क्योंकि उनको पता होता है अब आए हैं सुबह नाश्ता करने, अब दोपहर को फिर आएंगे श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी कभी भी खाली हाथ नहीं आते, सुंदर साथ के लिए कुछ लेके आते हैं, है ना। तो सुंदर साथ के सामने जो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं वो कहाँ से प्रकट होते हैं, वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय से प्रकट होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। क्योंकि अर्श कया ना ऊपर तले, अर्श कया मोमिन कलूब, परम धाम ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम तो ब्रह्म सृष्टि का दिल है। सतगुरु धनी जब भी प्रकट होके चर्चा करते हैं ना
तो ब्रह्म आत्माओं के हृदय से प्रकट होके करते हैं। अब धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर साक्षात धनी जी विराजमान है और वो ही प्रकट होके चर्चा करते हैं, वो ही प्रकट होके भोजन आरोगते हैं, है ना। और वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फिक्की खारी कीन, और हीरबाई जी है ना वो उनके लिए दही बिलो के मक्खन निकाल के रखती हैं, सब्जियां बना के रखती हैं, हलवा खीर पूड़ी सब कुछ बना के रखती हैं कि अब वो आने वाले हैं, है ना, और साक्षात बैठ के आरोगेंगे, है ना। तंबोल दे आरोगते और मिठाई कई भात, कहते कभी कभी पान का पीड़ा देते हैं और मिठाई कई भात, अनेकों भात की मिठाइयां, पान का बीड़ा, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। एक दिन तो गजब की लीला हुई, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा कर रहे हैं और कुछ सुंदर साथ दर्शन करने के लिए आए हैं बाहर से, और जैसे ही दर्शन करने के लिए आए हैं तो वहां थोड़ा पानी की कमी थी, तो 50-60 महाराज श्री जवाहरदास जी ने अपनी कॉपी में ये लीला लिखी है कि 50-60 सुंदर साथ आ गए और अब स्नान करना था पर पानी की कमी थी, तो अब सब सुंदर साथ ने कहा कि हम तो तीर्थ करने आगे जाते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों, बोले यहाँ पानी की कमी है, पानी नहीं है। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज वर्णन कर रहे थे जमुना जी का, और सारे सुंदर साथ ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि धनी देखो आप साक्षात तो धाम के धनी हो, आपके अंदर ही तो श्री कृष्ण जी बैठे हैं, है ना, आपके अंदर तो साक्षात धनी जी विराजमान है ना, आप आड़ी का लीला कर रहे हो, आप जमुना जी का वर्णन करके सुना रहे हो, क्या आप हमें जमुना जी प्रकट करके नहीं दिखा सकते, क्या हमें साक्षात जमुना जी का दर्शन नहीं करा सकते। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने एक लाइन खींची और जैसे ही लाइन खींची तो दीवार में से ही जमुना जी प्रकट हो गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एकदम जमुना जी जैसे ही प्रकट हुई, नक्शा बनाते थे ना वो, सारे नक्शे बना बना के दिखाते थे, और जमुना जी का नक्शा तैयार किया और जमुना जी को प्रकट कर दिया, और जैसे जमुना जी प्रकट हुई तो सारे सुंदर साथ ने वो जमुना जी के अंदर झीलना किया, है ना। हम भजन की लाइन में गाते हैं, ओ धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, जहां धाम की यमुना प्रगटी, जहां धाम की यमुना प्रगटी, श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं, श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं, नौतनपुरी में श्यामा जी आए, नौतनपुरी में श्यामा जी आए, 313 साथ हैं जगाए, 313 साथ हैं जगाए, और नौतनपुरी में श्यामा जी आए, नौतनपुरी में श्यामा जी आए, 313 साथ हैं जगाए, 313 साथ हैं जगाए, सतगुर रूप में निजानंद स्वामी आए हैं, मल की सूरत
धनी देव चंद्र कह लाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं। मलकी सूरत धनी देव चंद्र कह लाए हैं। ओ वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं इन बन राय की। बन राय पता किसको कहा है? धनी श्री देव चंद्र जी महाराज जब चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर में आ जाएंगे ना, क्योंकि धनी श्री देव चंद्र जी महाराज अब एक लीला करेंगे कि घर में रह के तीर्थ की स्थापना नहीं हो सकती, आगे लीला आएगी। और जब धनी देव चंद्र जी महाराज वहां से उठ के गांग जी भाई के बगीचे के अंदर आएंगे और वहां खेजड़ा मंदिर की स्थापना करेंगे ना, तो वहां दातुन करते हुए और दातुन के दो भाग करके जमीन में गाड़ देंगे और वहां पे दो खेजड़ा वृक्ष आज भी 400 वर्षों से खड़े हैं। ओ वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं इन बन राय की। जहां चर्चा होवे निज घर की, जहां चर्चा होवे निज घर की। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं। मल की सूरत धनी देव चंद्र के लाए हैं। लाडले सुंदर साहब जी, ऐसी श्यामा जी महारानी सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज और जिनके अंदर श्यामा जी तो है ही सही और साक्षात श्री रजी महाराज अंदर विराजमान है, और सुंदर साथ ने जब कहा कि आप हमें जमुना जी प्रकट करके दर्शन कराएं, तो सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज ने जमुना जी को श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर प्रकट कर दिया। आज भी हम खेजड़ा मंदिर में जाते हैं तो जमुना जल मिलता है, हमें प्रसाद मिलता है, चरणामृत मिलता है ना, क्योंकि धनी श्री देव चंद्र जी महाराज आड़ी का लीला कर रहे हैं। संयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दई, पता क्या हुआ सुंदर साहब जी? एक दिन हीरबाई ने श्री कृष्ण जी से शिकायत करी। हीरबाई जी के हाथ में सब्जी बनाने वाली पतीली जो थी ना वो लग गई, और हीरबाई जी ने पट्टी बांध रखी थी हाथ पे, उंगली पे पट्टी बांध रखी थी। तो श्री राजजी महाराज आए भोजन करने के लिए ना, तो श्री राजजी महाराज ने कहा, हीरबाई जी ये क्या हुआ, ये हाथों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? तो हीरबाई जी ने कहा शिकायत करते हुए कि आप जैसे धाम के धनी के लिए भोजन प्रसाद बनाती हूँ और वो भी बर्तन टूटे हुए हैं, और आज टूटे हुए पतीले में सब्जी बनाई और वो टूटा हुआ पतीला जब मांजने लगी तो वो हाथ में लग गया और खून आ गया है। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, संयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दई। तो कहते हैं उसी समय सब्जी बनाने वाला बर्तन पतीला उनको सोने का लाके दे दिया। किसको? हीरबाई जी को, है ना। कोई दिन कछु देवी जो करे नित शादी, कभी कुछ देते हैं कभी कुछ लाके देते हैं, खुशियां ही खुशियां बांट रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण जी दर्शन देने आते हैं ना तो खुशियां ही खुशियां बांटते हैं। अब जब हीरबाई जी के कहने पे श्री कृष्ण जी ने सोने का पतीला लाके दे दिया सब्जी बनाने के लिए, अब हीरबाई जी को बड़ा हंकार हो गया। हीरबाई जी ने सोचा कि ये श्री कृष्ण जी तो अब मेरे हाथ में है, मेरे बस में है, इनको तो मैं जैसे नचाऊं वैसे नाचते हैं, ये तो मेरा हर कहना मानते हैं। तो एक दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करने लगे, तो चर्चा का जो समय था ना
इतना रस आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि समय का पता ही नहीं लगा। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब चर्चा में इतना आनंद आ रहा होता है, 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर निकल जाते हैं तो हमें भी नहीं पता लगता है ना। और ऐसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते करते चर्चा के अंदर इतने डूब गए कि उन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहा है ना। तो हीरबाई ने समय के अनुसार भोजन बना लिया था। हीरबाई जी ने सोचा कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो आज चर्चा से उठने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है ना, श्री कृष्ण जी आज देवचंद्र जी अभी भोजन करने नहीं आ रहे तो मैं श्री कृष्ण जी के लिए थाल सजा देती हूँ। हीरबाई जी ने चौकी लगाई और चौकियां लगा के और चाकला बिछा के थाल सजा दिया और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी कि श्री कृष्ण जी भोजन ठंडा हो रहा है, आप तो आके भोजन कर लो। धनी देवचंद्र जी महाराज तो आज चर्चा में इतना डूबे पड़े हैं कि वो चर्चा बंद ही नहीं कर रहे, इतने रस के अंदर वो डूब गए हैं। चलो आप पहले गरम गरम भोजन कर लो, वो जब आएंगे ना उनको मैं तब करवा दूंगी, ठीक है। तो हाथ जोड़ के थाली लगा के बैठ गई। अब इतनी देर से प्रार्थना कर रही है, आधा पौना घंटा और टाइम ले लिया और चर्चा के अंदर रस बरसे जा रहे, आनंद बरसे जा रहे। हीरबाई आंखें बंद करके पुकार रही है श्री कृष्ण जी को, लेकिन श्री कृष्ण जी तो आए ही नहीं। जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने चर्चा में जयकारा लगाया और जयकारा लगा के उठ के आए भोजन करने के लिए, उसी समय श्री कृष्ण जी अपने आसन पे प्रकट होके बैठ गए। अब हीरबाई को तो बड़ा बुरा लगा, गुस्सा भी आया हीरबाई को। हीरबाई कहती है कि ए श्री कृष्ण, ए श्री राज जी महाराज, हमारी बात सुनो, हम इतनी देर से आपको पुकार रहे थे कि देवचंद्र जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं वो बाद में भोजन कर लेंगे, भाई आप तो पहले आके भोजन कर लो, तो आप भी भोजन करने के लिए नहीं आए। आज मैंने आपको कितना पुकारा, आप तो भी भोजन करने के लिए नहीं आए, और अब धनी देवचंद्र जी महाराज आए हैं और आप भी आके विराजमान हो गए। तो पता सुंदर साहब जी, श्री राज जी महाराज ने क्या कहा। श्री राज जी महाराज ने कहा, हीरबाई आज चर्चा के अंदर इतना रस आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मेरा चर्चा बंद करने को बिल्कुल मन ही नहीं था, मैं चर्चा के अंदर डूब गया था, सराबोर हो गया था आज चर्चा के अंदर। आज तो चर्चा के अंदर बस रस में हम लोग ओत प्रोत हो गए थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अरे हीरबाई जी को पता लगा कि मैं सोचती थी कि चर्चा तो धनी देवचंद्र जी महाराज करते हैं, लेकिन ये चर्चा कौन कर रही है, ये चर्चा तो साक्षात श्री कृष्ण जी इनके हृदय के अंदर बैठ के कर रहे हैं, पर मुझे पता ही नहीं था है ना। धनी न रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। जरा सा भी अहम आ जाए तो धनी उस अहम को उसी समय मिटा देते हैं। धनी जी ने देख लिया था कि हीरबाई को हंकार हो चुका है, क्योंकि हीरबाई जी मेरे लिए भोजन बनाती हैं और मैं रीझ रीझ के इनके हाथों से भोजन अरोगता हूँ है ना। और इन्होंने जैसे ही ऑर्डर किया कि मुझे सोने के बर्तन चाहिए तो मैंने सोने के बर्तन ला के दे दिए। तो आज श्री राजी महाराज ने हीरबाई को प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि चर्चा कोई और नहीं करता, चर्चा करने वाले कौन होते हैं, चर्चा करने वाले हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी ही बैठते हैं और धाम के धनी ही चर्चा सुनाते हैं।
कोई दूसरा चर्चा नहीं सुनाता, है ना। और इस वाणी चर्चा के अंदर रस भी तब आता है, आनंद भी तब आता है, जब स्वयं धाम के धनी हम आत्माओं को ये प्याला पिलाते हैं, तो हमें वाणी चर्चा के अंदर रस आता है, आनंद आता है, है ना सुंदर साहब जी। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के स्वरूप की और भी पहचान करा दी, क्योंकि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइये सतगुरु संग करतार, खोजते खोजते सच्चे सतगुरु मिलते हैं, और जब सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं ना, तो सतगुरु के अंदर ही करतार श्री राज जी महाराज अंदर ही बैठे होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते। ये पहचान किसने कराई? ये पहचान स्वयं श्री राज जी महाराज ने करवाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो लाडले सुंदर साहब जी, अभी समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराएं। उससे पहले हमने कल प्रश्न किया था कि हीरबाई जी के पति का नाम क्या था, और श्री राज जी महाराज को कौन भोजन बना के अर्गाती थी। तो कल की धाम सखिए हमारी पद्मा जी मुंबई से, जब से कोई प्रश्न किया जाता है कि गांग जी भाई के कितने बेटे थे, तो उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि बड़े बेटे श्याम जी थे, छोटे बेटे मान जी थे, है ना। जो भी प्रश्न किए उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारी पद्मा दीदी डेली दे रही हैं, समझ सुंदर साथ भी दे रहे हैं। पर आज धाम सखी का खिताब दिया जाता है मुंबई से हमारी पद्मा दीदी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का प्रश्न है कि श्री राजजी महाराज कितनी बार भोजन आरोगने के लिए आते थे और कितनी सखियों को लेके आते थे। ठीक है, आइए हम चौपाई दोहराएं। संयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दई, कोई दिन कछु देवी यो करे नित सादी, यो करे नित सादी। लाडले सुंदर साहब जी, इस बार मुझे दिल्ली हकीकत नगर मंदिर के अंदर बीतक करने का सेवा का मौका मिला है, और वहां से भी बीतक लाइव आपको ऐसे ही सुनाई जाएगी, बिल्कुल लाइव चर्चा जैसे आप सुनते हो ना, वहां पे ही लाइव चर्चा आप सभी सुंदर साथ आनंद के साथ लाइव चर्चा सुन सकोगे दिल्ली के अंदर भी। और दिल्ली गुड़गांव के सुंदर साथ तो मुझे मिलने भी आ जाते हैं वहां पे, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये धनी देवचंद्र जी की लीला तक जितना वर्णन हो सकता है धनी जी करवाएंगे, और फिर बाकी की जो बीतक होगी वो सीधा लाइव हकीकत नगर सुंदर साथ भी लाइव करेंगे, और मेरे इस मोबाइल से भी लाइव चर्चा होगी, तो हम समझ सुंदर साथ पूरी बीतक का आनंद ले सकेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराएं। अभी तो बीतक चलनी है, अभी बंद नहीं कर रहे, तीज चौथ पंचमी को मुझे वहां जाना है ना, जब जाऊंगी तो आपको मैसेज करके जाऊंगी। ठीक है, संयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दई, कोई दिन कछु देवी यो करे नित सादी, यो करे नित सादी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी सुंदर साथ इस बीतक वाणी चर्चा को शेयर जरूर करना, क्योंकि सबको आनंद आएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जू की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं श्री राज जी महाराज के हुक्म से। आप मैसेज देख लेना कि कितने बजे वाणी चर्चा होती है। ठीक है, प्रणाम जी।